हिंदू धर्म में काला अष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाने की परंपरा सदियों से चली आई है। इस दिन भगवान शिव के रोद रूप की पूजा होती है। आइए पंडित जी से जानते हैं इस दिन कुछ अचूक उपाय। भगवान शिव के रौद्र रूप, भगवान काल भैरव, भगवान भैरव नाथ के दिव्य दिन कालाष्टमी, जो हर मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, वह शुभ दिन 28 जून को हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कालाष्टमी तंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है या कोई परेशानी है तो इसमें कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव महाराज की साधना करके, उनको प्रसन्न करके हमारे घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। सभी भक्तों को इस दिन कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव महाराज की उपासना करना चाहिए, और जिन भक्तों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए तो उनके लिए कुछ उपाय हैं। अगर आपके घर में आर्थिक समस्या है, पैसों की कमी है, तो इस दिन भगवान भैरव महाराज को स्नान आदि करने के बाद में घी का दीपक लगावें और भगवान को जलेबी का भोग लगावें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी प्रकार का भय है, डर है, तो ऐसे में आपको सरसों का तेल लगा करके रोटी काले कुत्ते को खिलाना है, जिससे आपके मन का, आपके जीवन का डर समाप्त हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कोई बाधा डाल रखी है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो ऐसे में आपको एक लंबा सा धागा लेकर के उसमें उस धागे को भगवान के चरणों में अर्पित कर देवें, भैरव महाराज के चरणों में अर्पण करें और उस धागे को 5-10 मिनट वहीं पर रखा रहने दें, भैरव महाराज का ध्यान करें। बाद में उस धागे को अपने घर पर ला कर के 7 गठान बांधे और वह धागा अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दे। अगर आप किसी दुविधा में पड़े हुए हैं तो इस दिन आपको शमी के पेड़ के अंदर जल चढ़ाना है, वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक लगाना है और उस पेड़ के नीचे बैठ करके भैरव महाराज की साधना करना है और 108 बार ओम बम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है।